एक स्टिक को मूव करना था, तुम लोगों ने कुदम कुदम कर करके क्या किया? टिक टिक थ्री फोर टिक टिक फोर हार सेलिब्रेट करे, पहले क्लैपिंग करे, हार गए हार गए। अच्छा Assalamualaikum my YouTube family, दोबारा एक नए चैलेंज के साथ वापस आ चुके हैं। ठीक है, हमारा जो है फेमस चैलेंजेस जो हैं, स्टिक चैलेंजेस जो हैं, वो सबको पसंद आते हैं, तो हम दोबारा आ गए। और ये जो है, ये कब से रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो वो साइड पर लाइन लगा के नहीं करते थे हम लोग मैच करते हुए, ये वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है चैलेंज स्टार्ट हो गया। आप अपनी जो ये प्रिपरेशन है ये बंद करें। अब इससे तो आप सबको पता चल गया होगा कि हम इनको चैलेंजेस के बारे में पहले नहीं बताते। ये अगर ऐसे, हाँ, जो हम तैयार करते हैं, तैयार करते करते अगर इनको नजर आ जाए कुछ, तो फिर उस हिसाब से ये ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे बनाएंगे कैसे। देखें, पेपर की तैयारी भरपूर हुए जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको जो है चैलेंज बाद में बताऊंगी, पहले आप दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैरा है और मैं इस यूट्यूब चैनल में नहीं रही हूँ, पर आज से हम पार्टनर हैं। हाँ, ये दोबारा से ये दोनों पार्टनर्स हैं और इनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है। काइंडली जो है यहाँ के सब्सक्राइबर उधर भी सब्सक्राइब करें और उधर के सब्सक्राइबर इधर भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। तो जी, मैं आपको बताती चलूं कि हम लोगों का एक नया चैलेंज आ गया दोबारा से। चैलेंज कुछ ये है, 74 - 4 = 4। ठीक है, आप दोनों को नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है सही नहीं है, इक्वल नहीं है। बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है। तो ये आपने एक स्टिक को कहीं मूव करके, एडजस्ट करके, कुछ भी करके इस इक्वेशन को बराबर करना है। ठीक हो गया। स्टिक एक ही है, उसको मूव करना है, हिलाना है, जुलाना है, उठा के इधर रखें उधर रखें, लेकिन स्टिक भी तो दो ना, जो हिला के जुला इधर से ही उठानी है ना, नहीं यहाँ से स्टिक उठा। चलो आप लोगों के लिए आसानी करती हूँ, ये वाली साइड को ही छेड़ना है आपने, इस वाली साइड को उसके बराबर करना है। फोर्टीन प्लस फोर, फोर तो आ ही नहीं सकता, फाइव। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप लोग जो है चैलेंज में बहुत ज्यादा खो चुके हैं, दिमाग लगाएं। ये क्या बन गया जी? कभी पे ये फोर बनाएंगे, कभी पे ये फाइव बनेंगे। अच्छा भाई ऑडियंस, मैं तो आपसे बात करती हूँ, चैलेंज तो मैंने दे दिया है, आप सुनाएं अपने हाल चाल सुनाएं। एक स्टिक रिमूव करनी है बस। जी एक को मूव करें, छेड़ सकते हैं जितनी मर्जी छेड़े स्टिक्स। नहीं, इतना छेड़ना नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए आसानी कर दी है कि एक को ही ज्यादा एडजस्ट करना है, उठा के इधर उधर करना है। तो हाँ ऑडियंस, मैं आपसे बात कर रही थी, आप लोग ठीक हैं? आपके घर पे कैसे हैं सब? खाना शाना पका लिया है? क्या टाइम चल रहा है, क्या नहीं? ये क्या हो गया? 19 - 4, ये क्या बना दिया? मेरे हस्बैंड का बड़ा दिमाग चल रहा है, पता नहीं फेस शेयर के बहुत करीब करीब है, लेकिन अब देखो क्या बनता है। नहीं, इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी पसंद आया, ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। जिस चीज में परेशानी पैदा हो जाए वो चीज बड़ा मजा करती है। 19 - 4 = 5 कैसे बचेगा? 15 बचेगा। अच्छा जी, ये हो गया। और पहले ये होता था हमारा हिसाब के मलिक जीन प्रॉब्लम, अब ये दो हैं तो ये दो पाजीन प्रॉब्लम, अजीब सा दे दिया। तो आप लोग मुझे सुनाएं, आप लोगों ने वो वाला गाना सुना है पाजी इन प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, तो ये वही गाना है, पाजी इन प्रॉब्लम हुए हैं, दो पाजी एक फ्रेम पे प्रॉब्लम। ट्विनिंग तो अच्छी की हुई तुम दोनों ने, मुझे तारीफ तो कर लूं, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों।
मेरी तरफ तुम दोनों का ध्यान ही नहीं है, मेरी तरफ मुझसे बातें करो। नहीं देखो, नहीं बिल्कुल नहीं, हार चुके हैं। नहीं रुको, हम कर लेंगे ये तो चैलेंज, हारोगे। ये मेरे हस्बैंड को ना ये स्टिक चैलेंज, सॉरी चैनली चैलेंज बहुत पसंद है, तो आज मुझे लगता है ये, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं प्रो हो गया हूँ, प्रो। इनको मैं कोई और चैलेंज दे रही थी ना, तो ये मुझे दो दो मिनट हुए थे, स्टिक चैलेंज करो, स्टिक चैलेंज। ये थोड़ी पर्सनल बात थी, वो भी मैंने आपको बता दी। मैं कह रही थी कोई और चैलेंज करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं स्टिक चैलेंज। इन दोनों को लगता था मैं हो गया हूँ प्रो मैक्स। नहीं ये तो आपने फोर तो ऐसे आता है, आपने ऐसे क्यों रखा? ये फोर ऐसे ही है, आप लोगों की सहूलत के लिए ऐसे किया फोर, लेकिन आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही। मैं तो कितनी हिंट दे रही हूँ, फोर आप लोगों के लिए ऐसे किया है, थोड़ा दिमाग लगाओ। छेड़ना इसी चीज को है जिसको बार बार छेड़े जा रहे हैं। ये ऐसे था फोर भाई, ऐसे कुछ इस पे बहुत करीब आके तुम लोग एक स्टिक को घुमाओ, एक स्टिक को फोर की, चलो इतना बता देती हूँ, फोर की एक स्टिक को घुमाओगे तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा हाँ भाई रुके, ये देखें 77 रुके, ऐसे ये फोर और यहाँ पर क्या था, फोर था ना ऐसे, फिर भी करीब हो के, ये लोग करीब हो के भी फिर भी देखे जरा नहीं हो पा रहा, बहुत नहीं हो पा रहा। अब आप लोग देखे, मैं अब काउंट डाउन में जो लगता है स्टार्ट करना चाहिए। टिक टिक वन, आप लोगों को मैक्स कितना कोई टाइम लग जाएगा? इक्वेशन तो बराबर नहीं हुई, इतनी हिंट्स दी है, इतने करीब करीब हिंट्स दी हैं, लेकिन नहीं हो पाया भाई। 19 वो कर लेते, 19 माइनस 5 कर लेते, ये ऐसा मैंने आप ही, आप क्या पता इनकी हेल्प कर पाए। 74 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इतनी हेल्प कर दी इस साइड को, नहीं छेड़ना इसको, बराबर करना भाई। ये ले हो गया, कैसे हो गया? 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 कैसे होता है? कैसे होता है? हो गया, ये जैसे भाई और वैसी उनकी बहन नहीं हुआ दोनों। अब इससे तो अंदाजा ऑडियंस को हो गया, ये दोनों हो गए हैं लालाइक, है ना भाई, हमारी गलती नहीं है, ये दोनों हो गए हैं पांचवी पास से फेल। अच्छा ये मैंने इधर तक समझना, इनको ये बता दिया कि इसी फोर को छेड़ना है, अब इतना इतना बता दिया। 70 माइनस 4, मैं बार बार कह रही हूँ इसी फोर को छेड़ दें, इसी फोर को छेड़ दें। तो आंसर क्या आता है? फोर। तो आ गया था ना, अब 10 माइनस 6 आ गया था फोर। एक स्टिक को मूव करना था, तुम लोगों ने कुदम कुदम कर करके क्या किया है? दोबारा से इसको फोर बनाओ। अजीब नहीं है ये? तू बता, बहुत आसान है ये। आप दोनों नहीं होएगा, मैं काउंट डाउन स्टार्ट करती हूँ। ये क्या बन गया? मैं काउंट डाउन स्टार्ट करी। टिक टिक वन, टिक टिक टू, एक स्टिक रिमूव करके, टिक टिक थ्री, फोर, टिक टिक फोर, हार मान जाओ। तो मानी बताओ। आप भी हार मानती हैं मैडम? हाँ बताओ। अच्छा चलें जी, हार सेलिब्रेट करें, पहले क्लैपिंग करें। हार गए, हार गए। अच्छा अब मजा आया, पहले तो बहुत अच्छा लगा कि किसी ने हार मान ली। 7 इसी फोर चम्मच मारी ना, फिर देखना चम्मच मारी ना, फिर देखना। मैं देखें, आप मुझे बात करने दे, इसी फोर को छेड़ना है, इसी फोर को छेड़ना है। ये है हमारे पास एक, इस स्टेक को हमने उठा लिया, हमने यहाँ पे रख दिया। जब आप हार जाते हैं, आप दोनों का ये असूल है कि जब आप दोनों एक साथ हार जाते हो तो आप दोनों रोते हैं। देखिए 7 प्लस आगे आगे देखो,
वो हारने के बाद देखें कोई फेसेस ऐसे होते हैं। कौन सा फोर होता है भाई, प्लस का निशान ऐसे, तीन कौन सा कौन है, बहुत ही अजीब था, बराबर ही नहीं आपका। सेवन प्लस वन, ये प्लस प्लस वन होता है, प्लस इस तरह होता है, ये प्लस होता है, जब हमने माइनस इस तरह का दिया तो प्लस भी इस तरह, प्लस भी, सेवन प्लस इनका प्लस देख लो, एट हो गया, माइनस फोर करेंगे तो इज इक्वल टू फोर। अच्छा चलिए, आप लोग रोए नहीं, उम्मीद करती हूँ कि आपको बेस्ट विशेस देती हूँ अगले चैलेंज में, आप लोग जरूर जीतेंगे अपना ख्याल। ये लोग रो रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।